नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय व्रत। दीक्षित गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने से बवाल खड़ा हो गया है और हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि दूसरे जिलों से भारी संख्या में नमाजी बुलाकर नमाज पढ़ाई जा रही थी। हालांकि हिंदू संगठन के हंगामे के बाद इलाके को खाली करा दिया गया है। मामला सेक्टर 69 में खाली पड़े मैदान का है, जहां पर मुस्लिम समाज नमाज पढ़ने के लिए बैठा था। हालांकि हिंदू संगठन ने पहुंचकर नमाजियों को खदेड़ दिया। साथ ही मांग की है कि खुले में नमाज को बंद कराया जाए, तो वहीं मामले को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो खाली पड़े मैदान में नमाज यहां पर एक बार फिर से देखने को मिली है। फिर से माहौल बिगाड़ने की यहां पर कोशिश की गई है। खुले में नमाज पर फिर से बवाल देखने को मिला है, तो वहीं हिंदू संगठन भी पहुंचे और उन्होंने इसका विरोध किया है। और विरोध करते हुए उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जो भी नमाजी पहुंचे थे उन पर कार्रवाई की जाए। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में नमाज पढ़ने के लिए इंतजाम किए गए थे। तो वहीं फिर से एक बार माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। हालांकि भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। हिंदू संगठन भी वहां पर पहुंचे और खुले में नमाज को लेकर यहाँ पर विरोध दर्ज किया है और साथ ही नमाजियों को खदेड़ते हुए भी नजर आए। विश्व हिंदू परिषद और साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने वहां पर विरोध किया और नमाजियों को खदेड़ते हुए भी नजर आए। तो वहीं खुले में आखिर नमाज क्यों हो रही है, यह भी एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है और फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। खुले में नमाज पर एक बार फिर से बवाल देखने को मिला है। भारी संख्या में नमाजी बुलाए गए थे। तो एक बार फिर से नमाज को लेकर बवाल देखने को मिला है और एक बार फिर से यहां पर बात की जाए तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। और देख सकते हैं खाली पड़े मैदान में आखिर कितनी भारी संख्या में यहां पर नमाजी नजर आ रहे हैं और नमाज पढ़ने के लिए यहां पर यह भी आरोप लगाया गया है कि बाहर से नमाजियों को बुलाया गया है। तो बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि आखिर खुले में नमाज का आयोजन क्यों किया गया था। मस्जिदों में यहां पर नमाज की व्यवस्था की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो नमाजी थे वो खुले में नमाज पढ़ते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर सेक्टर 69 के ग्राउंड की हैं, जहाँ पर खुले में नमाज पढ़ते हुए नमाजी नजर आए और उसके बाद माहौल जो है वो पूरी तरीके से तनावपूर्ण बना हुआ है। लेकिन अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि आखिर जब व्यवस्था की गई है मस्जिदों में यहाँ पर नमाज पढ़ने की व्यवस्था की गई, उसके बावजूद भी आज जुमा था और इस दौरान भारी संख्या में नमाज पढ़ने के लिए लोग एक ग्राउंड में पहुंचे और खुले में नमाज पढ़ते हुए देख यहां पर हिंदू संगठन का विरोध देखने को मिला है। हिंदू संगठन ने इसको लेकर विरोध दर्ज कराया है और फिर से उन्होंने वहां से नमाजियों को खदेड़ा और उसके बाद आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। तो यहाँ पर हिंदू संगठन विरोध भी करते हुए नजर आए, लेकिन आपको बता दें कि लगातार देश में कई जगह पर खुले में नमाज को लेकर विरोध किया गया है। कई बार बवाल भी देखने को मिला है। इससे पहले बात कर ले तो लखनऊ में लुलु मॉल में भी यहाँ पर नमाज को लेकर भी प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर BHP के नेता नजर आए थे, जब लुलु मॉल में नमाज पढ़ी गई थी। लुलु मॉल काफ़ी सुर्खियों में आ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बता दें कि गुरुग्राम में यहाँ पर एक खाली पड़े मैदान में नमाजी नजर आए और नमाजी जो थे वो उसको लेकर फिर हिंदू संगठन वहाँ पर पहुँचा और उसके बावजूद बाद यहाँ पर विरोध किया गया है। खाली पड़े मैदान में नमाज
पढ़ने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। देश में कई बार इसको लेकर माहौल खराब होने की तक की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो समुदाय विशेष के लोग यहाँ पर बाज नहीं आ रहे हैं अपनी हरकतों से। देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पर नमाजी बुलाए गए थे। तो नमाज को लेकर एक बार फिर से बवाल देखने को मिला है और बवाल के चलते यहां पर हिंदू संगठनों ने इसका विरोध दर्ज कराया है और नमाजियों को जो मैदान था वहां से कहीं ना कहीं खदेड़ते हुए नजर आए। लेकिन सवाल यह है कि आज जुमे का दिन था और जुमे के दिन जब मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने जाते हैं उसके बावजूद ही इस तरीके से खुले में नमाज पढ़ने का आखिर मकसद क्या था, ये आज मसले में हम समझने की कोशिश करेंगे। तमाम मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। शहजाद खान जी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। बन्ना पोपली जी हैं, हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। विजय कौशिक जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। शहजाद खान जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा, आवाज पहुंच रही है आप तक? शहजाद जी चलिए, शहजाद जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। देखिए, आखिर इस तरीके का माहौल क्यों पैदा किया जाता है देश में? मेरा सीधा सा सवाल आपसे यही है, शुरुआत ही इस चर्चा की मैं आपसे सीधे सवाल से यही करना चाहूंगा कि आखिर जब सब कुछ शांत चल रहा होता है तो आखिर ऐसा माहौल पैदा करने की क्यों जरूरत पड़ जाती है? खुले में नमाज का आयोजन यहाँ पर कर दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम जो गंगा जमुनी तहजीब की बात कही जाती है भारत में, वहां पर अगर ऐसी चीजें सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं विरोध के सुर तो दिखेंगे ही, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मसले सामने आए हैं। चाहे हम लखनऊ के लुलू मॉल की बात कर ले, वहां पर भी खुले में नमाज पढ़ी गई थी, लेकिन यहां पर इतनी भारी संख्या में नमाजियों को बुलाया गया था, आखिर क्या था उद्देश्य? कौन बोल रहे? हेलो शहजाद जी। सर बिल्कुल सुन रहा हूँ लेकिन मैं नाम नहीं जानता जी। प्रियव्रत दीक्षित, हर खबर से एंकर। दीक्षित जी, जो आपने सवाल किया है कि इस तरह का माहौल क्यों पैदा किया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं, एक साल पहले 10 दिसंबर 2021 को सीएम के ओपन में कहीं भी नमाज नहीं होगी। सुन रहे हैं आप मुझे जी? ओपन में कहीं पर भी नमाज नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी ओपन में नमाज हो रही है, तो किस किस आकाश से हो रही है और किस किस सहमति से हो रही है, आप जी ये बताइए। यही तो मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन माहौल खराब कर रहा है? जो ये लोग थे एक साल से क्यों खामोश थे, जिन्होंने आज विरोध किया है जाके? थोड़ी सी छुटपुट घटना पिछले शुक्रवार को भी हुई थी लेकिन वो चले गए थे। क्यों सरकार इन पे लगाम नहीं लगा रही? और जब एक चीज है कि हमारे इस्लाम में एक बात है कि अगर हम किसी की जगह पर जाकर खड़े होते हैं और वो ये कहते हैं कि आप यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ सकते, कोई भी धार्मिक काम नहीं कर सकते, तो हमारा तो वैसे ही जायज नहीं है। खुदा की इबादत ही करना है तो मस्जिद में कीजिए ना। सर सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ, कह रहा जब सरकार ने कह दिया कि ओपन में नमाज नहीं पढ़ सकते, फिर क्यों नमाज हो रही है? कहाँ है सरकार? यही तो आज चर्चा का विषय है कि आखिर इस तरीके से क्यों ये चीजें की जा रही हैं, जब इसको लेकर सरकार ने भी ऐलान कर दिया है और मस्जिदों की भी अच्छी खासी संख्या है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ग्राउंड में इस तरीके से नमाज की जाती है। दीक्षित जी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हाँ। ये सोची समझी स्कीम है, ये प्लानिंग के तहत हो रहा है माहौल खराब करने के लिए। किसकी प्लानिंग है शहजाद जी? जो लोग आज वहाँ विरोध करने के लिए गए थे कहाँ सो रहे थे एक साल से, जब पुलगावा के अंदर ओपन स्पेस पे सरकार ने बिल्कुल सख्त ऑर्डर कर दिया है कि आप ओपन स्पेस में नमाज नहीं पढ़ेंगे, फिर ये कौन लोग हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं और ये कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? यही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये लोग हैं कौन जो नमाज पढ़ रहे हैं? जो प्रशासन है वो कहाँ मौन है? उसको नहीं पता क्या रहने के जब पर सिक्योरिटी दे रहे हैं। चलिए, हमारे साथ कुलभूषण भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं बीएसपी के। सर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर आप सुन रहे थे शहजाद खान को, हम मुस्लिम धर्मगुरु हैं, इन्हें खुद ये नहीं पता कि आखिर वो लोग हैं कौन जो आज नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे। हेलो जी,
मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा जी कि जो गुरुग्राम के अंदर नमाज को लेकर, खुले में नमाज को लेकर जो विवाद चल रहा है, इसके अंदर सबसे पहली बात जो है कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं और जो इमाम बंधु हैं वो ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कहां पर और किसकी अनुमति से नमाज अदा करानी है। कोई बिहार से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई मेवात से आ रहा है। तो दुर्भाग्य ये है कि मेरे मुस्लिम समाज के जो साथी हैं वो पहले बैठ कर ये तय करें इमाम बंधु कि भाई कौन तो नमाज अदा कराएगा। अब जो आज जो मामला सामने आया है कि पैसे लेकर और नमाज अदा कराने का प्रश्न है, तो मैं अपने इमाम बंधुओं से, अपने मौलवी बंधुओं से ये आग्रह और निवेदन करूंगा कि वो बैठकर ये तय करें कि भाई नमाज कौन पढ़ाएगा, शिया बंधु पहले पढ़ाएंगे या सुन्नी बंधु पहले पढ़ाएंगे। तो जो ये इनकी जो अपनी अपनी जो आपस का इनका जो तालमेल है ना, उस तालमेल के का अभाव है और ये सारा जो मामला है ये हिंदू समाज के ऊपर डाल रहे हैं। तो मैं बड़े आग्रह बड़े आदर के साथ कहना चाहूंगा कि ये लोग तय करें जो मौलवी बंधु हैं कि भाई गुरुग्राम के अंदर जो प्रशासन के साथ बैठकर, हिंदू समाज के साथ बैठकर जो वार्ता हुई, जो बातचीत हुई और जो स्थान चिन्हित किए गए, उन स्थानों के ऊपर कौन मौलवी कौन इमाम वहां पर जो है नमाज अदा करवाएंगे। चलिए हमारे साथ वंदना पोपली जी भी जुड़ी हुई हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। वंदना जी, कहीं ना कहीं एक बार फिर से प्रदेश में कुछ ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की गई जिससे प्रदेश के साथ साथ देश का भी माहौल खराब हो जाए। जी पूरी तरीके से बात पूरी करिए। देखिए सबसे पहले प्रियवत, आज जो घटना हुई है उसका अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो बहुत सी चीजें हैं वो सामने आती हैं। अगर मैं खुले में नमाज पढ़ने की बात करूं तो ये विवाद आज का नहीं है, बहुत पुराना है। कुलभूषण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कोर्ट तक भी गए थे 2013 में, दिल्ली जयपुर हाईवे जो है उसको रोक दिया जाता था। आप ये सोचिए कि पूरे हाईवे को रोक दिया जाता था क्योंकि वहां पर नमाज होती थी और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाता था, और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया कि इस प्रकार से हाईवे को रोका नहीं जा सकता। उसके बाद मुद्दा उठा कि जितनी भी सरकारी जमीन है वहां पर नमाज अदा की जाती है, तो दोनों सांप्रदाय के लोग हैं वो आमने सामने आ गए, तो उसका एक मुझे लगता है हमारी सरकार ने बहुत सभी अंदाज से उसका जवाब दिया कि कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है, किसी भी धर्म को इस प्रकार से सार्वजनिक स्थानों पर अपनी जो एक्टिविटीज को करने को अलाउड नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि जितने भी लोग हैं खुले स्थान पर नमाज पढ़ रहे हैं तो उनको वहां पर परमिशन नहीं है, वहां पर वो पढ़ नहीं सकते। कुछ उनके चिन्हित जगह हैं वहां पर जाएं और नमाज पढ़ें। लेकिन ये जो सारी घटना है तकरीबन एक साल पहले की है, कहीं ना कहीं विवाद भी सुलझ गया था, कुछ एरियाज जो है वो नोटिफाई भी हो गए थे कि इस एरिया में बैठ कर नमाज पढ़ सकते हैं बाकी में नहीं पढ़ सकते। लेकिन आज जो स्थिति हुई है ये दिखाती है कि शरारत करने की कोशिश की जा रही है। ये अभी मैं सुन पा रही थी, मुस्लिम धर्म गुरु जुड़े हुए हैं शहजाद सांझी, वो बोल रहे हैं कि प्रशासन क्या कर रहा है, ये कौन लोग हैं भाई, आप किसके जुड़े हैं यहाँ पर? आप मुस्लिम धर्म गुरु अपने आप को मानते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स दिए जाते हैं, फतवे दिए जाते हैं, क्यों नहीं आपने अपने लोगों को समझा रखा कि जब एक कुछ प्लेसेस चिन्हित है। मैं लौटूंगा आपके पास विजय जी, मैं एक छोटा सा कमेंट आपको लेना चाहूंगा, उसके बाद शहजाद खान जी आऊंगा आपके पास। चलिए आप ये समझिए कि देश में या प्रदेश में कहीं भी कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो ये देखती है कि उससे फायदा किसको है। ये जो हिंदू मुस्लिम का जहां भी मसला होता है उससे फायदा तो भाजपा को होता है। सबूत के तौर पर एक मामला बताता हूँ कि निजामुद्दीन मरकज की घटना आपको याद होगी कि वहां पर किस तरह से दुनिया भर के मुसलमानों को इकट्ठा होने की जो छूट दी भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, वो इकट्ठा हुए। बाद में उन्हीं लोगों के ऊपर आरोप लगाया इन्होंने कि भाई यहाँ के मुसलमानों ने देश भर में जाकर कोरोना फैला दिया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, जो मौलाना साहब थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। आज तक दिल्ली पुलिस ने मौलाना साहब को गिरफ्तार नहीं किया, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो प्रोपेगेंडा है, चाहे वो हरियाणा में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, इन सब के पीछे भाजपा की साजिश रहती है। बहुत से मामलों में तो भाजपा कार्यकर्ता पकड़े गए जो कि मुस्लिम बनकर सोशल मीडिया पर। चलिए चलिए चलिए, ये मैं आऊंगा आपके पास विजय जी। सुनिए, एक चीज और कह रहा हूँ, हरियाणा में जो भारत जोड़ो यात्रा जो निकल रही है
राहुल गांधी जी की जो आज फरीदाबाद प्रवास कर रही है, ये भारत जोड़ो यात्रा का भी मकसद यही है कि ये जो भाईचारा इन्होंने खराब किया है इसको फिर से बनाया जाए, भाई को भाई से मिलाया जाए। चलिए चलिए मैं लौटूंगा आपके पास विजय जी, विजय जी लौटूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। शहजाद खान जी, शहजाद जी आवाज पहुंच रही है जी? अरे ये मेरी आवाज तक आप तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है? गंगा जमुनी तहजीब को लेकर कहा गया है कि मस्जिद में बैठकर पीऊं शराब या वो जगह बता दे जहां पर खुदा नहीं है, खुदा की इबादत करनी है तो कहीं भी की जा सकती है, लेकिन जो नियम है कानून है उनको ताक पर रखकर आप किसी दूसरे धर्म को चुराते हुए इस तरीके का आयोजन करेंगे तो कैसे शांत बैठा जाएगा, ये बताइए जरा। आप नियमों कानूनों को ताक पर रख देते हैं, आप समझाते नहीं अपने लोगों को और फिर यहाँ पर पैरवी करते हैं। दीक्षित जी बात को समझना पड़ेगा, आप इससे पहले कि हमारे ऊपर आरोप लगाएं पहले बात को समझिए। हमारे मित्र कुलभूषण भारद्वाज जी बैठे हुए हैं हमारे पास, मुझे आप अभी गूगल पे सर्च करिएगा कि 10 दिसंबर 2021 को सीएम खट्टर साहब ने जब ये कह दिया था कि ऊपर में नमाज नहीं होगी, ये कौन लोग हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं और किसकी इजाजत से पढ़ रहे हैं? अभी कुलभूषण भारद्वाज जी ने ये कहा है कि जी कुछ जगह चिन्हित हुई थी, तो हमारी मांग ये है कि जब सरकार नहीं बने कर दिया है तो कौन लोग है चिन्हित करने वाले? और आखिर इनका मकसद था क्या है सजाद जी, यही भी ये भी हम जानना चाह रहे हैं, मेरा ये इनका मकसद क्या था कि आज इतनी बड़ी संख्या में जिस तरीके से हिंदू संगठन आरोप लगा रहा है कि बाहर से नमाजियों को बुलाया गया था आज सेक्टर 69 के ग्राउंड में, और देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीर में कितनी बड़ी संख्या में इस आयोजन को किया जा रहा था, तो आखिर इनका मकसद क्या था, किस तरीके से क्या संदेश देना चाह रहे थे आज की नमाज? नहीं नहीं आप बात को कहने नहीं दे रहे, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप बात सुन नहीं रहे, बीच में आप इंटरफेयर करते हैं। मेरा कुलभूषण जी ये गुड़गावा देखते हैं, हम भी गुड़गावा देखते हैं, हम ये कहते हैं कि जब सरकार ने मना कर दिया ओपन स्पेस में नमाज नहीं होगी तो किसकी इजाजत से ये नमाज हुई, और अगर नमाज हो रही है क्या कोई सीएम से सरकार से ऊपर है कोई लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ रहा है आज वो किसकी उस वजह से बिगड़ रहा है, ये सोचने के बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं आप बंदरा जी, किसकी साथ गांठ है आप ये बताइए। जब आज हम गुड़गावा देखते हैं हमने कहीं पर सीएम साहब के बयान के बाद में हमने कहीं कोई कदम नहीं उठाया, तो फिर ये कौन लोग हैं? चलिए बंदरा जी से जानते हैं आखिर ये कौन लोग हैं, कहीं बीजेपी के लोग तो नहीं है बंदरा जी? देखिए वो तो पिक्चर्स में दिख रहा है कि कौन कौन से लोग हैं, सामने भी क्लियरली दिखाई दे रहा है। वंदना जी अगर मेरी आवाज आप सुन रही हैं वंदना जी, मैं बड़े ही क्या नाम है आदर से आपके सामने ये बात करना चाह रहा हूँ कि हम नहीं चाहते कि यहाँ का माहौल खराब हो। आपका झूठ नहीं, आप तो नहीं चाहते, लेकिन कुछ नुमाइंदे ऐसे ही हैं जो बिना माहौल खराब किए नहीं मान रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में ओपन में नमाज हो जाती है। अभी कुलभूषण भारद्वाज जी ने एक बात कही है, जो बाहर से आके यहाँ का माहौल खराब करेंगे हम उस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब सरकार ने मना कर दिया है कि इस जगह पर नमाज नहीं हो सकती, फिर कौन लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं बिना किसी मर्जी के, कोई भी कहीं भी आके कुछ भी करके चला जाएगा, यहाँ का माहौल खराब होगा, यहाँ का माहौल तो हमें देखना है। बिल्कुल, चलिए कुलभूषण भारद्वाज जी। कुलभूषण जी, जी सर जी, मैं एक ही बड़े आदर के साथ मैंने बात पहले भी कहा है कि इमाम बंधु इकट्ठे होकर जो हमारे गुरुग्राम के उपायुक्त हैं उनके पास पहुंचते हैं और उनसे आग्रह और निवेदन करते हैं कि जी यहाँ पर जो नमाज गुरुग्राम के अंदर अदा की जा रही है उसके अंदर बाहर के लोग आके हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो बाहर के लोग बिहार के हैं, बंगाल के हैं, या वो कहाँ के हैं, या वो अपने मेवात के हैं। तो मेरा तो सीधा सीधा कहना यही है कि अभी जैसे शहजाद भाई ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए थे कि खुले में नमाज बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश की जहां तक बात है उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, और कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे लिए स्थान निर्धारित है, और जहां पर प्रशासन और प्रशासन के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं अगर उनको आपत्ति नहीं है या उनको आपत्ति है तो इस बात को भी मद्देनजर प्रशासन को रखना पड़ेगा। और अभी जो बातचीत सामने आ रही है जैसा अभी शहजाद भाई ने भी कहा कि बाहर के लोग जो आ रहे हैं कौन लोग हैं, इनको चिन्हित किया जाए। हमारे गुरुग्राम के अंदर जो हमारा एक भाईचारा बना हुआ है पूरे देश भर के अंदर, गुरुग्राम आईना है, और हम ये चाहते हैं कि वो आईना पूरा देश जो देख रहा है
कि गुरुग्राम के अंदर गंगा जमुना जो तहजीब है वो आगे बढ़े और हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश के अंदर सांप्रदायिकता के नाम पर सांप्रदायिक दंगा ना हो। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास, सैदार भाई बैठे हैं सामने, हम सबने मिलकर तय किया। और आज स्थिति क्या है कि जो इमाम बंधु है, जो मौलवी बंधु है, मैं तो चाहूंगा कि मौलवी बंधु इमाम बंधु सामने आए और स्पष्ट करें कि भाई कहां पर नमाज होगी और कहां पर नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे बीच में घुस गए हैं कि जो केवल और केवल उनका मकसद ना मुस्लिम समाज के धर्म को आगे बढ़ाने का है, ना मुस्लिम समाज के प्रति जो जानकारी है वो देने का है, उनका मकसद केवल ये है कि पैसा कमाना है। बिल्कुल, यहाँ पर मैं पूरी तरीके से जो गुरुग्राम का प्रशासन है उसको दोषी मानता हूँ कि आखिर जब खुले में नमाज हो रही थी, जब इसकी तैयारियां चल रही थी, यहाँ की हिंदू संगठन को इस बात की जानकारी हो गई, लेकिन गुरुग्राम प्रशासन आखिर इस दौरान कहाँ सो रहा था जब नमाज की तैयारियां हो रही थी, जब फट्टियां बिछाई जा रही थी नमाज करने के लिए। नहीं देखो, प्रशासन प्रशासन का भी यही है कि प्रशासन को जो जानकारी मिलती है कि कहां पर कौन आदमी गैर कानूनी काम कर रहा है, तमाम धर्म के ठेकेदार, क्योंकि हिंदू संगठन को इसकी जानकारी मिल जाती है, लेकिन मुस्लिम संगठन को, मुस्लिम जो धर्म गुरु हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है कि बाहर से लोग आकर वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, ये विषय जो आपने बोला है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो मुस्लिम समाज है हमारा वो ये तय करे कि कौन लोग हैं जो भाईचारा समाप्त करना चाहते हैं और मेवात के लोग भी विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी इसमें महत्वपूर्ण बात जो है वो जो मेवात के मौलवी बंधु हैं वही विरोध कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है अगर नमाज अदा की जाएगी इनके माध्यम से की जाएगी तो मेवात के मौलवी तय करेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे मेवात के मौलवी बंधु हैं, क्योंकि हम आसपास एनसीआर का क्षेत्र लगता है हमारा, तो उनके उनके दिशा निर्देश के अंदर, उनके मार्गदर्शन के अंदर नमाज अदा हो और ये मौलवी बंधु तय करें, इतना कहना चाहूंगा। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। वंदना जी, मुझे लगता है बहुत सारे प्रश्न हैं जो यहाँ पर खड़े हो गए हैं। यहाँ पर शहजाद खान बार बार प्रशासन पे उंगली उठा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये भी जानना पड़ेगा कि पलवल से एक मौलवी आए थे और वो यहाँ पर नमाज अदा करवा रहे थे, तो यहाँ पर अगर वो गुड़गांव में है तो उनको मुझे लगता है इस चीज को हेल्प करनी चाहिए रिकग्नाइज कराने में। प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, वहां पर पुलिस भी पहुंची है और आगे जो लोग हैं उनको चिन्हित भी किया जाएगा, रिकग्नाइज भी किया जाएगा कि कौन लोग थे जो यहाँ पर आकर शरारत कर रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है प्रियवत कि एक साल बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये सब फिर से शुरू हो गया, से सोता हुआ जिन जाग गया, जिस तरीके से बात की जाए। नहीं देखिए, मैं ये मानती हूँ कि अभी विजय भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है, जी हम हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, सिख भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, तो सिख आप करते हैं ना, किसी एक ही धर्म का करते हैं। तभी तो जब राहुल गांधी बार बार बोलते हैं कि मेरी यात्रा मीडिया नहीं दिखा रहा और उसको हाइप करने के, कभी वीर सावरकर का नाम ले लिया जाता है, कभी कुछ और स्टेटमेंट दी जाती है, कभी सेना पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया जाता है, और कभी अभी यहाँ पर एक नई बात चल रही है कि शायद भारत जोड़ो यात्रा है, इसलिए मैं भी यूँ कह रही हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से जान के शरारत की गई है ताकि राहुल गांधी आके स्टेटमेंट दे। आप कह रहे हैं हरियाणा में हमारी यात्रा आई है, आपकी यात्रा तो खत्म हो रही है। चलिए यात्रा पर आज जिक्र नहीं करना चाहूंगा वंदना जी। चलिए नहीं, ये इनका इनकी कहीं ना कहीं विजय जी को मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूँ कि वो यात्रा पर जिक्र करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गहन मुद्दा जरूर है, जो यहाँ पर ये बिल्कुल गहन मुद्दा है और उसमें हर एक बंदे को रिकग्नाइज भी किया जाएगा, देखा भी जाएगा कि कौन शरारत करे। लेकिन शहजाद खान यहाँ पर बैठे, कम से कम वो ये तो बोले कि हम हेल्प करेंगे, हम फतवे जारी करेंगे कि गुड़गांव में कहीं पर भी खुले में नमाज नहीं होगी, जो रिकग्नाइज प्लेस है सिर्फ वहीं पर हो, ये दोनों जगह से होगा, ये सभी सभी की तरफ से होगा। विजय जी से यहाँ पर एक कमेंट लेना चाहूंगा, वंदना जी थोड़ा सा समय का अभाव है। विजय जी, हरियाणा की सरकार ये बता सकती है कि पिछली बार जब हिंदू मुस्लिम बाबेला हुआ था और नमाज अदा करने का हुआ था, प्रशासन की बंदिशें लगाने के बावजूद हुआ था, तो कितने मुस्लिमों को गिरफ्तार किया हरियाणा सरकार ने, या अब सरकार के आदेशों के बावजूद भी जिन लोगों ने नियम तोड़े हैं उनमें से कितने मुसलमानों को हरियाणा सरकार गिरफ्तार करने जा रही है, उनके खिलाफ आपसी तदभाव को बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज करने जा रही है, कितने लोग गिरफ्तार होंगे क्या बता सकती है मुझे हरियाणा सरकार? ये केवल राजनीति करेंगे, हिंदू और मुस्लिम को भड़काएंगे, मुस्लिम से कहेंगे तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हिंदुओं से कहेंगे देखिए मुसलमान बाहर से आकर तुम्हारे घर में घुसकर नमाज अदा कर रहे हैं, कल को इसे पाकिस्तान बना देंगे। तो ये सब भाजपा की साजिशें हैं,
इनसे जनता को सावधान रहना होगा। विजय जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, मुझे रोकना पड़ेगा आपको। कोई कानून ना तोड़े, विजय जी मुझे रोकना पड़ेगा आपको, समय का अभाव है। एक फाइनल कमेंट कुलभूषण जी, 10 सेकंड में अपनी बात को खत्म करिए जरा। मैं विजय जी से बड़े आदर के साथ ये पूछना चाहता हूँ कि जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि कितने मौलवियों के खिलाफ, कितने मुस्लिमों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी है, कानून की कार्रवाई करनी है, विजय जी ये जो आपकी जो अभी आपने कहा, क्या एक भी मौलवी ने राहुल गांधी के सामने मुद्दा उठाया कि हमारे को कोई दिक्कत है, परेशानी है, या इस परेशानी का हल कराएं? क्यों? क्योंकि हम सब मिलकर अपने भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन विजय जी, लेकिन विजय जी चाहते हैं कि इस पूरे केंद्र प्रकरण के अंदर हिंदू मुस्लिम का मामला आगे बढ़े, हिंदू मुस्लिम के खिलाफ कोई कार्रवाई चले, ताकि अपनी राजनीतिक रोटियां सेक पाए। तो मैं विजय जी को बड़े सम्मान पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आपने जो 1947 के अंदर देश को तोड़ने का काम किया, अब ये 2023 का भारत, 2022 का भारत है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर अपने देश को विश्व गुरु बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक फाइनल कमेंट शहजाद जी, जल्दी से। शहजाद जी, हाँ जनाब, मैं बोल रहा हूँ। जरा कुलभूषण भाई जी का मैं जवाब देना चाहता हूँ। जल्दी से अपनी बात को खत्म करिए, थोड़ा सा समय का अभाव है शहजाद जी। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें पहले एक ही सवाल है कि जब 2021 में सीएम साहब ने कहा, 2021 के बाद से 5-6 जगह नमाज हो रही है, तो वो किसकी सालगांठ से हो रही है? वो कंटिन्यू ये 5-6 जगह जो नमाज हो रही है वो किसकी सालगांठ से हो रही है? हमने सरकार से, अपने हिंदू भाइयों से, पंचम दल देश जितने भी दल हैं, सबसे एक गुहार लगाई थी कि जो हमारी मस्जिद है आप उसको खोल दीजिए, ताकि हमें ओपन में जाने की जरूरत ना पड़े, उन पे काम ना होगा। कहीं ना कहीं साठ गांठ करके ये ओपन में नमाज पढ़ाई जा रही है एक साल से, जिसमें ये वंदना जी जो अभी कह रही हैं कि हम ये नहीं चाहते कि हमें के बाहर से लोग आके कोई कोई भी कहीं भी खड़ा हो सकता है, तो ये हमने अपने लोगों को सबको मने किया हुआ है। ये अगर कोई आदमी बाहर से आके कहीं पर भी खड़ा होता है तो ये बीजेपी सरकार और प्रशासन की कहीं ना कहीं अनदेखी है, जो इस तरह की बात हो रही है। हमारी निगरानी में समय का थोड़ा सा अभाव है, कहीं ना कहीं ये मसला जरूर गंभीर है, क्योंकि हिंदू संगठनों में विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। खुले में नमाज का जो आयोजन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और कहीं ना कहीं ये गंभीर मसला है, प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। फिलहाल आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो मसला आखिर यहां पर आके फंसा है कि आखिर जब सरकार ने यहां पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रखा है तो आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने गुरुग्राम के सेक्टर 69 के ग्राउंड को चुना, और आखिर सेक्टर 69 के ग्राउंड को ही आखिर क्यों चुना? क्योंकि वो ग्राउंड बड़ा था, भारी संख्या में वहां मुस्लिम समाज आ सकता था, भट्टियां बिछाई गई खुदा को खुदा की इबादत करने के लिए, वहां पर नमाज पढ़ने के लिए वहां पर पूरी तरीके से पूरा तामझाम सेट कर दिया गया था। और हिंदू संगठन को जब इसकी भनक लगी तो हिंदू संगठन वहां पर विरोध करने के लिए पहुंच गया। लेकिन आखिर ये कौन लोग हैं जो हरियाणा का आपसी सौहार्द जो है वो खराब करने के लिए कोशिश करते हुए नजर आए? तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।